नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कलियों वाली कमीज की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो हमने लेंथ रखनी है, यहाँ पे मैंने नाप लिखा हुआ है पूरा। जो हमें लेंथ रखनी है 44 इंच तैयार रखनी है। जो ब्रेस्ट का नाप होगा वो 45 होगा, ये लार्ज साइज होगा, जो फुल साइज जिसको बोलते हैं 45 साइज होगा। 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 48 हो जाएगा, 24 तैयार रखेंगे। इसी प्रकार 41 वेस्ट होगी, 3 इंच प्लस करेंगे और 44 हो जाएगा, तो इसका हाफ रखेंगे 22 इंच। और यहाँ पे हम 49 हिप है तो यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग डालनी है, 51 होगा, तो यहाँ पे हमें 25½ तैयार हिप रखनी है। इसमें जो बाजू की लंबाई हमने 7.5 इंच रखनी है और ओपनिंग हम 7.5 बाजू की लंबाई रहेगी 7½, और ओपनिंग रखेंगे 16 इंच 16 इंच। और गला जो हमने बनाना है, यहाँ पे कुर्ती का बोट शेप गला बनाना है। ये हो गया दोस्तों हमारा नाप। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारा नाप हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है, जिस जो फैब्रिक है हमारा, ये 2.5 मीटर का कपड़ा होगा। इस तरीके से ये 2.5 मीटर होगा। 2.5 मीटर के पीस को हमने इस प्रकार से डबल फोल्ड किया हुआ है। इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करनी है। कुर्ती की कटिंग के लिए हमने नीचे की साइड एक निशान लगाना है, इस प्रकार से। जो नीचे का मार्जिन होता है ये एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारे फोल्ड करने के काम आएगा, जो अंदर को फोल्ड करते हैं। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। जैसे लेंथ है हमारी 44 इंच, तो यहाँ पे हम 44½ पे निशान लगाएंगे। फिर लगाएंगे हम आरमोल का निशान। आरमोल का निशान लगाएंगे यहाँ पे हम 7.25 इंच पे। कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे, और हिप का निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे 23 इंच पे। इन सभी निशानों को बिल्कुल इस तरीके से सीधे कर लेते हैं। दोस्तों ये कलियों वाली हमें कमीज कटिंग करनी है। सभी निशान हमने इस प्रकार से सीधे कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पे नाप का अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जैसे ऊपर से रखना है हमें 24 इंच, तो 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 22 इंच रखना है तो यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप रखनी है हमें 25½ इंच, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 13½ इंच पे। इस प्रकार से हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं, और इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेते हैं। अब लगाना है हमें यहाँ पे आर्मोल और शोल्डर का निशान। यहाँ पे दोस्तों जो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 15 इंच पे, मतलब 7.5 इंच पे लगाएंगे। तो ये ओपन होने के बाद हमारा 15 इंच आएगा, जिसमें हमारा 14.5 इंच शोल्डर तैयार आएगा। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। नीचे की साइड भी हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, और अंदर की साइड 14 इंच का डाउन निशान लगाएंगे अंदर की साइड। इस निशान को इस निशान से इस प्रकार मिला लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। अब जो हमारा ये बिल्कुल सीधा निशान होता है, जो शोल्डर से बिल्कुल सीधा ये वाला आता है, इस निशान से हम यहाँ पे बाहर की साइड जो हमने रखना है, बोट शेप गला बनाना है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाने के बाद इस निशान को इस प्रकार मिलाएंगे, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने निशान लगाए हैं सभी, ये सभी निशान हमारे हैवी साइज के अकॉर्डिंग लगे हैं। बोट जैसे एक तो फुल साइज है हमारा ये, और एक यहाँ पे हमने बोट शेप गला बनाना है। बोट शेप जो हम गला बनाएंगे यहाँ पे 9.5 इंच तैयार रखेंगे, और डीप रखेंगे यहाँ पे 3½ से 4.25 इंच तक। यहाँ पे बोट शेप के इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं इस तरीके से।
अब हमने यहाँ पे कलिया कटिंग करनी है। अब कलियों का मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आसान सा मेथड बताऊंगा आपको। ये हमने नॉर्मल कुर्ती के अपने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे कलिया कहाँ से डालनी है, एक कली तो डलती है यहाँ से ऊपर से शोल्डर से, इस तरीके की जो कली डलती है, एक डालते हैं आरमोल से। तो यहाँ पे मैं आपको आरमोल की कली डालना बताऊंगा। अब जो हम यहाँ पे कली डालते हैं, कली इस प्रकार की आएगी हमारी, जहां पे हमारा ये सेंटर का निशान लगता है इस तरीके का, ऐसे इस निशान को हमने यहाँ पे इस प्रकार से लेके जाना है, इस तरीके से नीचे तक, जहां तक हमारी बिल्कुल ये सेंटर की मेन चीज होती है यहाँ पे। यहाँ पे आप कम ज्यादा कर सकते हो, हिप पे भी कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने जो ये निशान है हमारा, यहाँ पे मैंने जैसे गोलाई वाला निशान लगाते हैं तो यहाँ पे एक निशान आता है बिल्कुल सेंटर वाला, जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर आपने इस तरीके से गोलाई देते हुए यहाँ पे निशान लगाना है ऐसे। मैंने यहाँ तक हिप तक निशान लगाए हैं, अब मैं नीचे के निशान कंप्लीट करूंगा। यही निशान हमारे बिल्कुल तैयार आएंगे, क्योंकि हमने इसी के ऊपर कटिंग करनी है। और ये हिस्सा कटिंग करने के बाद फिर हम दोबारा से ये पीस रखेंगे, फिर दोबारा से कटिंग करेंगे। यहाँ पे ऊपर की बॉडी के हमने जैसे कंप्लीट निशान किए हैं, नीचे का मैंने अभी तक कोई निशान नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हम चौक का निशान लगाएंगे और घेरे हमें कितना रखना है। तो यहाँ पे हमें जो ये कलियों वाले पीस बनते हैं, थोड़े ए लाइन टाइप आते हैं, जैसे हम नीचे से ए शेप देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 25.5 इंच हिप है, तो 25.5 के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे, और आगे की साइड लगाएंगे तकरीबन हम 2 इंच या 2.5 इंच, ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से अपना यहाँ पे हिप वाला निशान इस प्रकार मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, 2 इंच का एक्स्ट्रा घेरा रखा है हिप के हिसाब से। अब इसी शेप में हम यहाँ नीचे तक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारे इस तरीके से कंप्लीट निशान हो गए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक साइड की कटिंग करेंगे और फ्रंट की इकट्ठे जो कटिंग करते हैं तो आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं इस प्रकार से। ये मैंने आधा इंच ऊपर से कटिंग किया है। अब हम यहाँ पे इस प्रकार कटिंग करेंगे यहाँ तक, और फ्रंट बैक सेम कटिंग करेंगे इस तरीके से, कली के बीच में बिल्कुल। ये दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी कली यहाँ से इस तरीके से कटिंग की है। अब हम आगे की साइड की कली कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल तैयार नाप कटिंग किया था, आगे की साइड तैयार नाप के निशान लगाए थे, आगे की साइड मैंने इसीलिए कटिंग नहीं की है, क्योंकि हमें यहाँ पे आधा इंच इधर और आधा इंच इधर मार्जिन चाहिए होता है। अब कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक एक निशान लगाना है इस प्रकार से, एक एक इंच पे, जहां जहां पे हमारे निशान होंगे एक एक इंच पे हमें निशान लगाना है, और गोलाई पे आपने ध्यान से निशान लगाना है इस प्रकार से। ये जो हमने एक एक इंच पे निशान लगाया है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे इस प्रकार से इन निशानों पे मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से ऊपर चढ़ाना है इस पीस को जो हमने कटिंग किया है इस प्रकार। ये हमने इस तरीके से 1 इंच ऊपर इसके यहाँ पे ये पीस चढ़ा लिया है। अब ऊपर रखने के बाद अब हम दोबारा से यहाँ पे सभी निशान कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे मैंने पहले निशान लगाए थे इसी प्रकार हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऊपर से रखना है हमें 24 इंच, 12 इंच पे लगाएंगे। कमर रखनी है 22 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे लगाएंगे, और हिप रखनी है 25.5 इंच, तो यहाँ पे 12.5 इंच पे लगाएंगे। इन सभी निशानों को एक दूसरे से मिलाते हैं इस प्रकार, और आगे का निशान भी हम इसी तरीके से रखेंगे सेम।
तो सेम जो हमारा ये निशान होगा सभी जगह बराबर गैप होगा, इस प्रकार हमने सभी जगह एक एक इंच का जो यहाँ पे भी निशान लगा के ऊपर रखा है पीस ये वाला, तो इसी तरीके से हमने आगे की साइड ये बढ़ा दिया है। अब हमने यहाँ पे आर्मोल की और शोल्डर की हमारी कटिंग सेम रहेगी, सिर्फ हमने आर्मोल की कटिंग करनी है। आर्मोल की कटिंग का हमारा सेम तरीका रहेगा, जैसे यहाँ से 7.5 इंच लिया है तो यहाँ पे भी हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, इस प्रकार इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरीके से, और एक अंदर की साइड निशान लगाएंगे। यहां से जाएगी हमारी ये गोलाई इस प्रकार से, ये हमारी फ्रंट की होगी, बैक साइड की जैसे मैंने आपको बताया था उसका सेम तरीका रहेगा। इस प्रकार इसी लाइन में हमारा बिल्कुल सीधा आ जाएगा इस तरीके से, ये हमारी बैक साइड की रहेगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी निशान के ऊपर कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इस पल्ले को इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब हमने यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग करनी है ऐसे, आगे की साइड मार्जिन छोड़ना है। दोस्तों जो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। एक तरीका होता है सबसे पहले हम पेपर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कलियों वाले पीस की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे भी आसान ये तरीका है, आपने नॉर्मल कमीज की कटिंग करनी है उसके बाद आपने ये हिस्सा इधर वाला हिस्सा अलग कर लेना है यहाँ पे निशान लगाने के बाद। उसके बाद आपने एक एक इंच इस तरीके से ऊपर वाला पीस, ये सेंटर वाला जो पीस होता है इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर चढ़ाना है यहाँ पे, और इस प्रकार रखते हुए सभी जगह से हमने फिर दोबारा से निशान अपने लगाने हैं। तो जब हमने यहाँ पे एक इंच का इस तरीके से पीस ऊपर नीचे चढ़ाया तो एक इंच का हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान आएगा, और सभी निशान हमने इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। जो हमने यहाँ पे फ्रंट की गहराई देनी है, जैसे मैंने सिर्फ बैक के हिसाब से कटिंग की है दोनों पीसों की, फ्रंट की और बैक की, फ्रंट की जो हम गहराई देंगे वो तब देंगे जब हम यहाँ पे अपनी पाइपिंग कंप्लीट कर देंगे, जैसे जोड़ देंगे दोनों कलियां इस प्रकार से, तब हम यहाँ पे फ्रंट की गहराई देंगे। ऊपर की कटिंग करने के बाद नीचे की कटिंग हमारी सेम रहेगी। इस तरीके से हमने ये कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हमने इस प्रकार से कपड़ा फोल्ड करना है इस तरीके से, और नीचे की साइड एक निशान लगाते हैं इस प्रकार, और यहां से लेंथ देखेंगे, जैसे हमने लेंथ 7.5 इंच है तो यहाँ पे इस निशान से 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे 4.25 इंच पे इस प्रकार का। यहाँ पे अपना आर्म होल रखेंगे 7.5 इंच, ये आगे हमारी मोरी होगी, मोरी जैसे हमने 16 इंच रखनी है तो यहाँ पे 8 इंच के हिसाब से मैंने निशान लगाया है, और यहाँ पे हम देंगे गोलाई। गोलाई हमारी बैक साइड में आती है, एक देते हैं गहराई, गहराई आती है हमारी फ्रंट साइड की। इस प्रकार से कटिंग करेंगे। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे बाजू की भी कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोर्ड शेप गला बनाना है और कलियां ज्वाइंट करनी है, और कलियों के अंदर हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है जिसमें से हम पाइपिंग निकाल लेंगे और पाइपिंग यहाँ पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम कटिंग करके अपना बोर्ड शेप गला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले स्टिचिंग के लिए हम पाइपिंग तैयार करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है, जिस कपड़े की भी हमें पाइपिंग निकालनी होती है। और यहाँ पे हम इस प्रकार से धागा रखेंगे, जो डोरी वाला धागा बोलते हैं, जिसकी पाइपिंग निकलती है। इस प्रकार रखते हुए, बीच में सेंटर में रखते हुए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इस प्रकार से धागे की साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये अगर आपके पास सिंगल पैर वाला मशीन हो, जैसे यहाँ पे सिंगल पैर नहीं है, मेरे पास डबल है ये, तो मैंने यहाँ पे साइड में किया हुआ है इस पैर को। अगर आपके पास सिंगल पैर है तो आप सिंगल भी सेंटर में करके चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं है तो इस तरीके से पैर को साइड में कर लें, और जो सुई होगी, जो ये निडल होगी, ये हमारी इस पैर के बिल्कुल साइड में आएगी इस तरीके से। और यहाँ पे इस प्रकार इसको सेंटर में रखते हुए धागे को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल धागे के साथ साथ। इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग निकलती चली जाती है। इसी को डोरी वाली पाइपिंग बोला जाता है, जो बारीक होती है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये निकाली जाती है। पूरी पाइपिंग हम अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लेंगे। पाइपिंग हमने इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर लिया निकाल के। अब हम इसको आधा इंच रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देते हैं। ये सिर्फ आधा इंच चौड़ी है हमारी इस टाइम। और यहाँ पे हम जहाँ पे भी हमने लगानी होती है, जैसे हमने कलियों में लगानी है, इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आधा आधा इंच मार्जिन हमने दोनों पीसों में कटिंग किया है, टोटल 1 इंच। इस तरीके से हम सेम आधा इंच का ही मार्जिन रखते हुए यहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे। ये हमारा कुर्ती का सेंटर वाला पीस होगा, इसकी साइडों में कली अटैच करते हैं। इसी तरीके से हम नीचे तक पूरी पाइपिंग अपनी कंप्लीट करेंगे निकालते हुए। एक साइड मैंने यहाँ पे अपनी पाइपिंग कंप्लीट की है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम पाइपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है, इसी तरीके से हम बैक साइड में भी पाइपिंग कंप्लीट करते हैं। ये दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों में हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है इस प्रकार से। अब हम साइड की कली लेंगे, जैसे हमारी साइड की कली होंगी इस प्रकार की। ये कली हमें इस तरीके से यहाँ पे अटैच करनी है इस प्रकार। अब दोस्तों हम यहाँ पे कलिया अटैच करेंगे। कलिया अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना हमें दबाव लेना होता है, जैसे हमने यहाँ पे आधा इंच
दबाव लेना है। तो आधे इंच पे हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। ये निशान हम गोलाई गोलाई पे लगाएंगे क्योंकि नीचे की साइड तो बिल्कुल हम सीधा हमें आइडिया हो जाएगा, गोलाई पे हमें जरूरी निशान लगाने होते हैं। तो इतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर, जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है इसी के ऊपर हम यहाँ पे इस प्रकार से फ्रंट रखेंगे, इस प्रकार, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। किनारी की हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ। अब हम यहाँ पे आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे फ्रंट की नीचे तक। इस प्रकार दोस्तों हमने एक साइड की एक कली अपनी ज्वाइंट की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक। इसी तरीके से दूसरी साइड की जो कली होगी वो भी हम अटैच कर लेते हैं। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड की भी हमने यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये कली ज्वाइंट की है। अब हमारा ये फ्रंट तैयार हो जाता है। जैसे मैंने फ्रंट में यहाँ पे पाइपिंग लगा के कलिया ज्वाइंट की है, इसी तरीके से हम बैक साइड में भी पाइपिंग लगा के कलिया तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने यहाँ पे कलिया अटैच कर लिया है। अब इनको हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ऊपर नीचे रखते हुए गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने फ्रंट बैग ऊपर नीचे इस तरीके से ये सेट कर लिए हैं प्रेस से। अब हमने यहाँ पे आरमोल की कटिंग करनी है और बाकी के हमने निशान चेक करने हैं कि हमारे नाप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है नहीं। जैसे हमने साइज जैसे 12 इंच रखना है, यहाँ से ऊपर से 24 इंच होगा तो 12 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 12 इंच पर बिल्कुल ठीक आएगा। इसी प्रकार कमर 11 इंच पर रखेंगे क्योंकि 22 इंच है, तो कमर भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगी। तो ये निशान हमारे यही रहेंगे जो हमने बार वाले निशान लगाए थे, इसी पे एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे साइज ये तैयार आएगा। अब कटिंग करनी है हमने आरमोल की। आरमोल जैसे हमने 7.25 रखा था, नीचे से भी एक निशान लगाएंगे 7.25 पे। सबसे पहले ये सीधा निशान लगाते हैं और यहाँ पे भी 7.25 पे निशान लगाते हैं। इसके बाद अंदर की साइड 1 से 1.25 इंच और इस निशान को इस तरीके से सीधा करते हैं ऐसे अंदर वाले निशान पे, और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई इस तरीके की। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। ये
ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है, बैक की कटिंग हमारी हो ही जाएगी जो हमने पहले से कटिंग की थी। अब हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेते हैं। गला हमें यहाँ पे बनाना है बोट से, तो उसमें देखना है हमें ब्रॉड कितना रखना है। ब्रॉड रखना है हमें 10 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच में निशान लगाएंगे, और डीप रखना है हमें 3.5 इंच। इस प्रकार से हम यहाँ पे गोलाई देंगे और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक के बोट शेप गले की कटिंग भी हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। गला तैयार करने के लिए हमने इस प्रकार से एक पीस ले लेना है और उसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से इसको हम डबल कर लेते हैं, ऐसे गोलाई हमारी सेम इसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने गले की कटिंग की हुई है, और यहाँ पे इस प्रकार रखेंगे इसको इस तरीके से, और निशान लगाएंगे ऐसे वाला। तो इसमें जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से, और बाहर की साइड से इसको आधा आधा इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब हम फ्रंट लेंगे, फ्रंट को इस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार सीधी साइड ऊपर रखते हुए यहां पे हम पाइपिंग लगाएंगे, जैसे इस तरीके से पाइपिंग रखेंगे, और यहां पे आधा इंच का ही हमने मार्जिन रखना है, आधा इंच से भी कम। आप एक पैर का रख सकते हो तो एक पैर का रखें। इस प्रकार हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के साथ साथ। ये डोरी वाली पाइपिंग होगी हमारी, इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग अपनी अटैच की है। अब जो हमने ये पेपर पेस्टिंग वाला पीस लिया था, इसको इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड रखना है, और यहाँ पे उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। दबाव का ध्यान रखें, दबाव हमारा दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। सिलाई का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई है जो हमने पहले अटैच करते हुए लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे।
प्रकार हमने सिलाई लगाई है। अब हम मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने पहले से ही कटिंग की हुई थी वहीं पे उसी के साथ साथ में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम पूरे गले में इस प्रकार के कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से जो हमारा ये कपड़ा होगा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे या तो हम प्रेस से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं या इसमें हम कच्ची सिलाई यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो बाद में हम तुरपाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग हमारी दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगी और ये भी हमने अंदर की पाइपिंग कंप्लीट की है। प्रेस से सेट करने के बाद दोस्तों हमारा गला कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम बैक साइड में भी इसी तरीके से गले को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बैक साइड की भी हमने सेम पाइपिंग अपनी कंप्लीट की है और मैं यहाँ पे आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ। फ्रंट में हमने इस तरीके से ये कलिया भी बहुत सुंदर तरीके से लगाई है और यहाँ पे हमने पाइपिंग के साथ के ये 5 बटन भी अपने कंप्लीट किए हैं। इस तरीके से मैंने अपना ये डिजाइनर कलियों वाला फ्रंट तैयार किया है। दोस्तों अब हमारी इसमें स्टिचिंग रह जाती है। स्टिचिंग सेम होती है जिस तरीके से नॉर्मल कुर्ती की होती है, बाकी सेम हमारी स्टिचिंग है। मैं स्टिचिंग आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। आगे का काम बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ मेरा मेन चीज थी कि कलिया कैसे कटिंग करते हैं और उनमें पाइपिंग लगा के किस तरीके से तैयार करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।